ये दुनिया है हीरो ब्रायन और एंटिटी की, जहां पर एंटिटी की स्टोरी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये हमारे ओवरवर्ल्ड माइनक्राफ्ट से बहुत ज्यादा अलग होने वाली है। तो यहां पे हीरो ब्रायन ने हमें कुछ टास्क दिए हैं, हमें एक हीरो का दर्जा दिया है और उस हीरो को करने हैं बहुत सारे टास्क कंप्लीट। जिसमें पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा हमारे 100 डेज की वीडियो में कि एंटिटी ने जाकर के ज़ॉम्बी लॉर्ड को हराया था और बहुत सारे मिशन कंप्लीट किए थे, जिससे कि वो अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और अब वो जाने वाला अपने अगले मिशन पर, जो कि होने वाला है स्केलेटन किंग का, जिसको हराने के लिए बहुत पावर चाहिए होगी। क्या हमारा एंटिटी 303 स्केलेटन किंग को हरा पाएगा? क्या वो अपने आप को इवॉल्व कर पाएगा? क्या वो 606 एंटिटी बन पाएगा? चलिए देखते हैं। पास्त्र बेब, तुम लेके आ गए ये सोन। मुझे यकीन नहीं होता तुमने उसको इतनी आसानी से हरा लिया, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। चलो अब तुमने ऐसा कर ही दिया है, तो अब मैं तुम्हें पहुंचाने वाला हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोगों का सपना होता है जाने का। हाँ, तुम्हें वहां जाने के लिए गोल्डन टिकट चाहिए होगा, वो मैं तुम्हें दूंगा अभी के लिए। एक बहुत ही सुंदर सफेद गार्डन होगा, वहां पर जाओ और उस टिकट से ही तुम वहां पे जा सकते हो। आगे का रास्ता तुम्हें वही बताएंगे। अब मैं क्या बताऊं, वो यहाँ के मालिक हैं। सो गाइस, अब मेरे को ये जो सोल मिली थी ज़ॉम्बी लॉर्ड से, अब ये मुझे किसी को देनी थी भाई। मुझे नहीं पता वो कौन से व्हाइट गार्डन का बात कर रहा था और कौन सी गोल्डन टिकट का बात कर रहा था। मुझे तो कोई गोल्डन टिकट नहीं मिली। और हाँ यार, मेरे पास एक जेम था, तो मैंने सोचा यार जेम वगैरह बेच देता हूँ, इससे मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे अगला सफर के लिए। और जैसे मैंने जेम बेचा, मेरी एक इन्वेंट्री स्लॉट खाली हुआ और मुझे गोल्डन टिकट मिल गई। ओके, मेरा इन्वेंट्री भरा हुआ था भाई, इसलिए मुझे गोल्डन टिकट नहीं मिल रही थी। अब मेरे पास बहुत सारी चीजें थी भाई अपने सफर से, जो मैं लूट के लेके आया था, तो वो मैंने बेच दी सैरिफ को और उनकी बेटी से थोड़े बात की। ए हीरो, मुझे नहीं लगा था तुम उसको हरा दोगे, लेकिन तुम तो बहुत बहादुर हो। आई लाइक इट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। चल अभी मुझ पर डोरे मत डाल, अपनी पतली गली पकड़। पता नहीं भाई, इस लड़के को कब समझ में आया कि मैं इस पर डोरे नहीं डालता, इसकी शक्ल इतनी भी अच्छी नहीं है भाई। चलो छोड़ो, खैर वो क्यूट तो दिखती है। तो भाई मुझे नहीं पता था ये गोल्डन टिकट कहाँ यूज होने वाले, तो अचानक मुझे गार्ड मिले और यहीं पर वो गोल्डन टिकट यूज होने वाला था। तो भाई यहाँ पे वो ये रास्ता पहले बंद था, लेकिन अब खुल चुका है क्योंकि मेरे पास गोल्डन टिकट है। मुझे नहीं पता भाई यहाँ पे मुझे किससे मिलना है। यहीं पर मुझे कैनी ने आने के लिए बोला था भाई, हलवाई भी पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देता, लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और जैसे ही मुझे यहाँ पे एक जगह दिखी, तो मुझे एक आवाज आई, वो आवाज मुझे ऊपर की साइड से आ रही थी। भाई ये कितना ब्यूटीफुल प्लेस है भाई, कितना मस्त लग रहा है देखने में यार। अचानक मुझे एक कपल दिखा भाई, शायद इन्हीं से ही मुझे बात करनी होगी। ओ, कितना सुंदर फेस है, तो वो तुम ही हो जिन्होंने उस ज़ॉम्बी लॉर्ड को हराया। मुझे तुम्हारा कब से इंतजार था। तुम्हारे लिए अगला टास्क है, ये कंपास लो और ये एक टिकट लो। इस टिकट से तुम आर्मरिस्ट के पास जाना और वहाँ से तुम्हें एक शील्ड मिलेगी, जो कि डायमंड शील्ड है। वो तुम्हें तुम्हारे सफर में काम आएगी। हीरो, अगला सफर बहुत ज्यादा मुश्किल है, अपना ख्याल रखना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। और अब तुम्हें हम थोड़ी सी शक्तियाँ भी दे रहे हैं, जिससे तुम इवॉल्व हो जाओगे। लिटरली गाइस, मैंने महल से बाहर आकर देखा कि मैं सच में इवॉल्व हो चुका था और मेरा स्किन पूरा एकदम चेंज हो चुका था। इस पे हल्का फुल्का आर्मर आ चुका था भाई। तो यानी कि भाई मैं एंटिटी 303 से 606 हो चुका था। तो चलो अब अगला सफर देखते हैं भाई कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। डेफिनेटली मुश्किल ही होगा क्योंकि इतनी सब चीजें मुझे दी गई हैं, तो भाई खतरनाक ही होगा। तो यार मैं एक झलक अपने घर की तरफ मारने आया, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत सामान था जो मुझे घर पे रखना था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर आगे जाके मैं मर जाऊं तो भाई मेरा सामान सारा का सारा चला जाए। अब मैं आया था यहाँ पे ये टिकट दिखा करके वो शील्ड लेने के लिए, जो मुझे मेरे सफर में उस रानी ने यूज करने के लिए बोला था। तो वो शील्ड भाई मैंने ले ली, उस पर मेंडिंग और अनब्रेकिंग लगा हुआ था। एंड लिटरली गाइस, देखने में भाई वो बहुत धांसू थी। क्या शील्ड है यार, क्या शाइन मार रही है। तो अब मुझे जाना था भाई अपनी लोकेशन का मैप लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कंपास दिया जो रानी ने मुझे दिया था, और यहाँ से मुझे एक मैप मिलेगा, उस मैप को फॉलो करते हुए जाना है मुझे और उसको हरा के आना है जो भी वहाँ पे बैठा हुआ है। तो भाई जैसे ही मैं इससे मैप लेने लग गया ना, तो इसने मुझे बताया उसका नाम स्केलेटन किंग है, और साथ में मुझे एक बात और बताई कि वहाँ का जो रास्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है और उस सफ़र को जारी रखने के लिए मुझे एक बोट चाहिए होगी। अब भाई बोट तो मेरे पास नहीं है, तो भाई अब बोट के लिए मुझे जाना पड़ेगा इन बाबा के पास। तो ये कैप्टन है, सिर्फ इन्हीं के पास
बोट मिल सकती है भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे बोट क्राफ्ट नहीं कर सकता, इसमें बोट की रेसिपी नहीं है इस माइनक्राफ्ट में, तो मुझे बोट खरीदनी ही पड़ेगी इनसे। और जैसे मैंने इनको बताया कि भाई मैं जा रहा हूँ स्केलेटन किंग को मारने। ओए क्या मजाक लगा रखा है, सच में ये मजाक ही तो है, मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना नहीं ऐसा, क्या जोक मारा है तुमने हीरो, तुम स्केलेटन किंग को हराओगे? मुझे नहीं लगता, तुम्हें मैं नाव तो दे दूंगा लेकिन सच में तुम उसको नहीं हरा सकते, तुम नहीं जानते तुम्हारा पाला किससे पड़ा, मैं गया हूँ वहाँ की नदियों में, तुम पहली बात तो नदियाँ ही नहीं पार कर पाओगे, वहाँ की नदियों में बहुत डरावने जानवर हैं। भाई आप जानवर कहाँ नहीं है यहाँ पे, मॉन्स्टर कहाँ नहीं है यहाँ पे, हर जगह मॉन्स्टर है। तो भाई अब मुझे सब कुछ चीजें अपनी मिल चुकी थी, तो मैं घर पे सो गया था, अब दिन हो चुका है, मैंने अपने विलेजर्स को बाय गुड बाय बोला पिछली बार की तरह, तो पिछली बार तो मैं बच के आ गया था, क्या पता मैं इस बार बच के ना आऊं। तो मैंने अपने फार्मर्स को बोला भाई मेरे घर का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ एक सफर पे, क्या पता मैं जिंदा लौट के ना पाऊं, तो तुम ही हो भाई अब यहाँ के अधिकारी, तुम ही संभालना मेरे घर को। तो अब मैं जैसे तैसे करके अपने सफर पे निकल गया, मैंने बहुत सारे पहाड़ों को क्रॉस किया, माउंटेन्स पे गया, रिवीन्स को कम्प्लीट किया, इतनी तगड़ी तगड़ी जगहों पे गया, एंड फाइनली मुझे बहुत लंबे सफर के बाद, बहुत दिनों के सफर के बाद एक नदी मिली जिस नदी का जिक्र किया गया था। और इस नदी के पास पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि ये वो नदी है जो ओएसिस के नाम से जानी जाती है और ओएसिस की तरफ मुझे लेके जाएगी। अब मुझे नहीं पता ये ओएसिस है क्या, शायद उस लोकेशन का नाम ओएसिस हो। तो यहाँ पे मैंने अपना स्पॉन पॉइंट सेट किया, क्योंकि मुझे हर एक रास्ते पे स्पॉन पॉइंट सेट करने के लिए एक जगह दी जाएगी, ताकि मैं अगर मर जाऊं, वैसे तो मेरे पास चांस ही नहीं है मरने का, मैं हार्डकोर में हूं, तो अगर मैं मरा तो वैसे भी मेरे को कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने फॉर्मेलिटी की और इस नदी को पार करने लग गया। और जैसे मैं इस नदी को पार करने लगा, तो भाई मैंने देखा कि इस नदी के नीचे बहुत बड़े बड़े स्क्वायर तैर रहे थे। भाई मुझे नहीं पता वो क्या जानवर थे, लेकिन बहुत खतरनाक दिख रहे थे और बहुत ज्यादा बड़े थे। ये नदी धीरे धीरे संकरी होती जा रही थी, ऊंची होती जा रही थी और बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। और एक चीज और पता चली मुझे कि ये नदी में मैं अपने आप ही नीचे की तरफ खींचा चला जाता हूँ कभी कभार। तो भाई ये नदी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जैसा कि वो सेलर भी बोल रहा था मुझसे, यानी कि पायरेट जिससे मैंने नाव खरीदी है। मैं जैसे ही इस नाव से भाई नीचे की तरफ गिरता हूँ ना, यहाँ पे किसी पानी के बहाव में, मतलब जैसे मेरी नाव में पानी भरता है तो मैं नीचे चला जाता हूँ यहाँ पे, और नीचे जाते के साथ ही मुझे बहुत लंबी लंबी स्क्विड जो है यहाँ पे, जिनकी हेल्थ जो है 9,000 हेल्थ है उनकी, भाई उनको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो जो है इस शॉटगन से नहीं मरती है, और उनसे जैसे तैसे मैं बच भी जाऊँ तो यहाँ पे पिराना मछलियाँ वो मेरा जीना हराम कर देते हैं। उतरते ही वो डैमेज ज्यादा तो नहीं देती पिराना, लेकिन सच में वो बहुत ज्यादा नॉक बैक देती है और मेरे को मतलब हब्बा कब्बा कर देती है, मैं बाहर आ ही नहीं पाता। और सच में गाइस ये एक बड़ा सा जो होल था जो अभी मैंने दिखाया, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था और वो वॉइड होल था, मतलब अगर वहां पे मैं नाव से पानी में नीचे चला जाता तो ऊपर कभी भी नहीं आ पाता, यानी कि वॉइड में चला जाता मैं। तो वहां से जैसे जैसे बचने के बाद भाई मैं यहां आया, और अब शायद ये एंड था इस जगह का। कौन हो तुम, यहाँ क्या करने आए हो? जिंदा नहीं बच के जा पाओगे यहाँ से, तुमने यहाँ पर आकर अपनी मौत को दावत दी है, मैं अपनी आंख से तुम्हें भस्म कर दूंगा, अब तुम मुझसे बच के दिखाओ।
मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी यहाँ पे आके कि मैंने एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है और यहाँ पे मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, यही तो वो रास्ता है जो मुझे पार करना है। अब भाई वो मुझे शील्ड याद आई, क्योंकि वो जो शील्ड मुझे रानी ने यहाँ पे लाने के लिए कहा था ना, इसी से ही मैं अभी इससे बच सकता था। अब भाई जो टोटम मोनोलिथ था ना, ये जो अपनी आंख से लेजर फेंकता था और इस लेजर को मैं रिफ्लेक्ट करके उस शील्ड से इस ही के ऊपर मार सकता था, क्योंकि ना तो इस पे गन से असर हो रहा था ना ही ये तलवार से मर रहा था, तो मतलब ये इस ही की लेजर से मर सकता था। और साथ में भाई यहाँ पे कुछ स्केलेटन साइक्लन भी आ गए जो अपनी आंख से लेजर फेंक रहे थे। मतलब यहाँ पे सभी चीज लेजर फेंकते है क्या भाई? इसको मारने में टाइम तो लगा, लेकिन हाँ मैं इसको मार पाया भाई, इसी की लेजर से मैंने इसको मार दिया। तो भाई अब मुझे जाना था आगे इस टूटे हुए रास्ते को फॉलो करते हुए। यहाँ पे मुझे बहुत सारी मुसीबतें मिलने वाली है और उनमें से एक मुसीबत आ भी गई मेरे सामने, यानी कि डायर वुल्फ। पता नहीं रास्ता इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों बनाया गया है भाई यहाँ का। ज़रूर से ज़रूर आगे जाके मुझे बहुत ही खतरनाक चीज़ मिलने वाली है, इसीलिए तो ये रास्ता इतना ज़्यादा खतरनाक बनाया गया है। और ऊपर से ये मोनोलिथ जहाँ मर्जी स्पॉन हो जाते हैं भाई। इनको मारने के बाद मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि मुझे डायमंड शार्ड मिल रहे थे, मतलब एक टोटम मोनोलिथ से मुझे एक डायमंड शार्ड मिलता है। तो भाई देखते कितने मोनोलिथ मुझे आगे जाके मारने पड़ सकते हैं। और हाँ, मुझे एक बंदा मिला। तुम्हारे आगे के सफर के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा घर भी है, लेकिन मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। लेकिन तुम आगे जा सकते हो। ये एक बैड है, यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लो और मैं तुम्हें देता हूँ एक गन, आगे जाके तुम्हारी वो मदद करेगी। इस बंदे ने मुझे घर दिया, रहने के लिए यहाँ पे जगह दी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था बहुत लंबा सफ़र करके। और अब मुझे इसको बहुत सारे स्केलिस की हड्डियाँ और उनके हेड ला करके देने थे, जिससे कि मुझे ये जो गन इसने मुझे दी थी यानी कि उजी, तो उसकी एमओ मुझे ये देगा। और उसके अलावा इसने मुझे थोड़ा बहुत रास्ते के बारे में भी समझाया कि मैं किस तरीके से इन सभी स्केलिस को ट्रैप करके मार सकता हूँ और आसानी से आगे बढ़ सकता हूँ। और उसने ये भी बताया कि आगे जाके ये इवोल्व होने वाला है, जितने भी स्केलिस हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि तुम एक मात्र चुने गए हो, अपना ख्याल रखना। I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright.
अब मैं ऐसे छोड़ पर आकर रुक गया था जहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर थे कि इनको हराना नामुमकिन था। तो अचानक मेरे दिल से आवाज आई, घबराने की क्या है बात जब हम हैं तुम्हारे साथ। मेरे भाई से मिले थे तुम चैप्टर वन में, उसी ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर। मैं रानी का आदर सम्मान करता हूँ, साथ में तुम्हारा भी हीरो। तुमने बहुत सारी मुसीबतें देखी है लेकिन अब नहीं, आओ मैं तुम्हें पार कराता हूँ इस जगह को। हीरो, आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। कुछ साथी मिलेंगे हमारे तुम्हें यहाँ पर, उनको छुड़ाने में तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है, घबराना मत, अपने दिल पर हाथ रखना, तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हें चुना गया है। जाओ। But I'll be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. स्पाइडर वैली को पार करते हुए, ड्रैगन वैली को पार करते हुए, स्कैली वैली को पार करते हुए, मोनोलिथ को मारने के बाद, डायरवुल्फ से लड़ने के बाद, साइक्लोन के साथ दो दो हाथ करने के बाद, मैं पहुंच चुका था एक ऐसी जगह पर जहां पे मौत का साया चारों तरफ मंडरा रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, मुझे ठीक से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो अचानक मेरे सामने एक परी आती है और वो मुझे कहती है, हीरो यहाँ पे चढ़ो, यहाँ से अगला रास्ता तुम्हें मिलेगा, और हाँ ऊपर जाके तुम्हें कुछ तुम्हारे साथी भी मिलेंगे, उनको मत मारना क्योंकि उनको तुम मारोगे तो बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. वो परी फिर से आती है और मुझे बोलती है, हीरो तुम्हें एक गन दे रही हूँ मैं, वो तुम्हें काम आएगी क्योंकि इन छोटी गनों से तुम ये रास्ता पार नहीं कर पाओगे। तो भाई अब मुझे मेरा सफर जो है ना इस बड़ी गन के साथ बिताना होगा। और सच में गाइस यहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ उमड़ आई मुझे मारने के लिए वो गन उठाते के साथ ही, कि जैसे अचानक इनको पता चल गया हो कि हाँ आ गया है वो, इसी को ही हमें मारना है। इस रास्ते में मुझे बहुत सारी मुसीबतें मिली गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को क्या क्या क्रिएचर देखने को मिला। मैंने माइनक्राफ्ट की दुनिया में ऐसा कभी पहले नहीं देखा था। यहाँ पे मुझे कुछ पायरेट्स भी मिले जिनके हाथ में बंदूक थी, दारू की बोतलें थी जो वो मेरे ऊपर फेंकते थे, जिससे कि मुझे नोसिया हो जाता था, चक्कर आते थे, मैं अपना रास्ता पार नहीं कर पाता था। उन्होंने अपने रास्ते में TNT बिछा रखे थे, पता नहीं मैं कैसे कैसे बच के उनसे निकला हूँ आगे की तरफ।
ये गोट बॉस से फाइट करना सच में मेरे को बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ा भाई। पता नहीं ये कहाँ से टपक गया था ये बॉस, मुझे लगभग नीचे गिरा ही देता। मैं काफी ऊंचाई पे हूँ और मैं यहाँ पे गिरता तो भाई मर जाता। फिर अचानक मेरे को मेरा ड्रीम, भाई ड्रीम मतलब ये एक अजीब सा ड्रीम है भाई मेरा, जो कभी कंप्लीट नहीं हुआ माइनक्राफ्ट में, बट भाई यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक फिनिक्स को उड़ते हुए देखा भाई। मैं सोच रहा था यार उसको टेम कर लूं, लेकिन इन्होंने उसको कैद करके रखा हुआ था। मैं इसको तभी छुड़ा सकता था जब मैं यहाँ पे स्केलेटन बॉस को मार दूंगा। मेरे को लगा था कि भाई मैं स्केलेटन बॉस के एरेना में पहुंच गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो स्केलेटन साइक्लोप्स थे भाई। मतलब ये एक मेज था जिसको मुझे पार करना है। शायद इसके बाद मैं स्केलेटन किंग के पास पहुंच पाऊं। जो मुसाफिर मुझे मिला था वो शायद इसी जगह की बात कर रहा था। ये देखो ये सारे के सारे स्केलिस जो इवॉल्व हो चुके हैं, मतलब मैं स्केलेटन किंग के बहुत नजदीक हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। जहां मर्जी से ब्लेजेस निकल जाते हैं, जहां मर्जी से वो इवॉल्व वाले स्केली निकल जाते हैं, और यहाँ का पार्क और बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत मुसीबतें हैं यहाँ पर। मुझे फायर रेसिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लावा में गिर जाता हूँ और बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा पाता हूँ। वो तो अच्छा है कि मेरे पास सुपर फूड और हीलिंग के पोशन वगैरह है, जिससे मैं अपने आप को हील करके बचा लेता हूँ। फाइनली बहुत दिन बिताने के बाद, इतना लंबा सफर करने के बाद, मैं पहुंच गया था द स्केलेटन किंग के एरेना में। मुझे नहीं पता तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे मुसाफिर। अब यहाँ तक आ गए हो तो मुझसे लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पावा किससे पड़ा है। पहले मेरे मिनियन से लड़ो, उसके बाद बात करना। फाइट करते हुए मुझे एक चीज का तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरी जो तलवार है ना उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम बची थी। यहाँ पर कोई ऐसा मोब भी नहीं था जिसको मार के मैं इनको हील कर सकूं, यानी मेंडिंग इन पे लगी तो हुई थी लेकिन कोई फायदा नहीं था यहाँ पे। और इनकी हेल्थ जो है ना, इनके मिनियंस की बहुत ज्यादा हेल्थ थी, तो इनको मारने में ना मेरी तलवार की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। जैसा कि भाई मैंने कहा था, मेरी एक्स की और मेरी तलवार की ड्यूरेबिलिटी खत्म हो गई, यानी कि वो टूट चुकी हैं। अब मेरे पास मेरी पिकेक्स और शावल ही बचे हैं। वेल, तुमने हरा दिया उनको। मैं वैसे भी खुश नहीं हुआ इस चीज से, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा को देख सकता हूं, वो कितनी ज्यादा डरी हुई है और तुम्हारा दिल कितना तड़प रहा है।
कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन अब भाग नहीं पाओगे, अब मुझसे ही भिड़ो तुम। काफी देर बाद मुझे पता चला कि पहले मुझे इसको रेज करना पड़ेगा, उसके बाद ये तलवार को बर्फ के अंदर गाड़ लेगा और फिर मुझे इसको मारना पड़ेगा, तब इसका हेल्थ कम होगा। भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है इससे फाइट। Yes, तुम्हारे अंदर पावर तो है, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं पाओगे हीरो। तुम ही इकलौते हो जो मुझे हरा पाए हो हीरो, मैं थक चुका हूँ अब। तुमने मुझे हरा तो दिया, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा अपनी दुनिया में। ओके गाइस, तो भाई हमने स्केलेटन किंग को हरा दिया यहाँ पे। अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना भाई, लाइक गोल लगा रहा हूँ 20,000 लाइक्स का। आपको बस एक लाइक और एक शेयर ही तो करना है भाई, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई मेरा आर्मर वार्मर सब टूट चुका है, और यहाँ से मुझे ट्रेजर चेस्ट से एक अजीब सी आई मिली है, मुझे नहीं पता ये क्या आई होने वाली है। इसको जाके मुझे केविन को देना है, वैसे उसका नाम कैनेडी है लेकिन मैं उसको केविन बोलता हूँ प्यार से। तो चलो भाई अब चलते हैं अपने वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करके, और ये मोड पैक खेलने के लिए, ये मैप खेलने के लिए आपको मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मोड सेक्शन में मिल जाएगा ये वाला मोड पैक। और भाई हमारा पब्लिक SMP भी ओपन हो चुका है, अगर आप लोग खेलना चाहते हो हमारे SMP में तो जाके वहाँ पे भी ज्वाइन कर लो, बहुत सारा एडवेंचर और नई नई चीजें मोड जैसी। और मुझे केविन कुछ कह रहा था भाई, केविन क्या कह रहे थे? लास्ट तक अब लास्ट तक हीरो, क्या तुमने डेजर्ट अर्थवर्म के बारे में सुना है? अरे कहना क्या चाहते हो?